श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे एक ऐसी जगह जहाँ पे हनुमान जी रात को टहलते हैं जाकर, और जब वो टहलने पे निकलते हैं तो मंदिर की घंटियाँ खुद ही बजने लग जाती है। भारत में राम भक्त हनुमान के अनेक मंदिर हैं। झांसी के ग्वालियर रोड पर हनुमान जी का एक ऐसा मंदिर स्थित है जहाँ हनुमान जी स्त्री वेश में विराजमान है। स्त्री वेश में होने के बाद भी उनके दोनों हाथ में गदा है। करीब 500 साल पुराने इस मंदिर में रोजाना हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। कहा जाता है कि रात के समय हनुमान जी को टहलते देखा जा चुका है। कई बार रात को मंदिर के घंटे अपने आप बजने लगते हैं। कहा जाता है करीब 500 साल पहले ओरछा में एक सखी बाबा नाम के संत थे। बाबा जी को स्वप्न आया कि हनुमान जी की प्रतिमा है। बाबा को एक स्थान पर हनुमान जी की सखी वेश में प्रतिमा मिली। प्रतिमा को बैलगाड़ी में रखकर बाबा चल दिए। झांसी से गुजरते समय शाम हो गई। बाबा ने ग्वालियर रोड स्थित एक पीपल के पेड़ के नीचे मूर्ति को रख दिया और आराम करने लगे। जब बाबा चलने लगे तो उनकी बैलगाड़ी का पहिया निकल गया, जिसको ठीक करवाने के लिए उन्हें एक और दिन रुकना पड़ा। उन्हें फिर स्वप्न आया कि प्रतिमा को राम राजा के दरबार ओरछा के पास ही रहने दें। अगले दिन सखी बाबा ने प्रतिमा को ही स्थापित कर दिया, तभी से मंदिर यहाँ पर स्थापित है। हनुमान जी के विषय में यह भी कहा जाता है कि उनके स्त्री वेश का वर्णन रामायण में भी मिलता है। जनकपुरी में राम भक्त हनुमान ने सखी रूप धारण किया था। मंदिर परिसर में राधा रानी, भगवान कृष्ण, शंकर भगवान, पार्वती जी, सीताराम आदि की भी प्रतिमाएं विराजमान हैं। यहाँ हनुमान जी के दर्शनों के लिए देश के कई हिस्सों के अलावा अमेरिका, कनाडा जैसे देशों के अप्रवासी भारतीय भी आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पे आने से भक्तों की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। कहा जाता है कि निसंतान दंपतियाँ लगातार 5 सोमवार विधिवत पूजा अर्चना कर ले तो निश्चित रूप से उन्हें फल मिलता है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।